ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट पावर्ड बाय ट्रांसपोर्ट मॉल, सही पॉलिसी सही प्रीमियम। दोस्तों, आज की डेट में पूरे देश के अंदर धान का सीजन है। ट्रक ट्रांसपोर्ट के लिए ये एक मौका होता है जब उन्हें काम मिलता है एक्स्ट्रा, और कुछ ऐसी गाड़ियां, जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि ऐसी भी हमारे देश के अंदर जो सिर्फ धान और गेहूं के ऊपर ही निर्भर करती हैं, पूरे साल में सिर्फ दो बार ही उनको काम मिलता है। उसी को लेकर है आज की ये ग्राउंड रिपोर्ट। खबर है आंध्र प्रदेश से। जी हाँ, अगर आप धान लेकर, जिसे देश के कुछ हिस्सों में जीरी भी बोला जाता है, पैडी भी हम बोलते हैं उसको इंग्लिश में, अगर वो लेकर आप आंध्र प्रदेश जा रहे हैं, तो जाने से पहले ये ग्राउंड रिपोर्ट आप ज़रूर देख लें, क्योंकि जो गाड़ियां आंध्र प्रदेश के अंदर पैडी धान लेकर जा रही हैं, उनकी बहुत ज़्यादा हरासमेंट हो रही है। बड़े बड़े चलान, बड़े बड़े जुर्माने उनके ऊपर किए जा रहे हैं। क्या है पूरा किस्सा, हम आपको बताने जा रहे हैं। हुआ ये है कि वेस्ट बंगाल के निमपुर, जगह है ममनासा, वहां से गाड़ियां चली हैं 7-8 अप्रैल को। कुल 28 गाड़ियां हैं ये, जिनकी हम खबर आपको देने जा रहे हैं। ये आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी एट मिल है बाला भद्रपुरम, लक्ष्मी वेंकटेश्वरम हाइजीन फूड्स ये कंपनी का नाम है। वहां पर ये गाड़ियां जो है वो धान लेकर पहुंची थी। जैसे कि हम जानते हैं कि एक तो जो किसान का धान होता है वो मंडियों में जाता है, दूसरा मंडियों से सरकार खरीदती है धान ज़्यादातर जगहों पर, लेकिन कुछ मिल्स भी हैं, जैसे कई जगह शराब वगैरह बनने में भी इसका यूज़ होता है, या और भी कई फैक्ट्रीज हैं जो इसको खरीदती हैं। तो वहाँ पर ये माल लेकर पहुँची थी, धान लेकर पहुँची थी गाड़ियाँ 28 के करीब। असल में ये गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँची नहीं, पहुँचनी थी, मतलब यहाँ पर वो माल लेकर आ रही थी वेस्ट बंगाल से, लेकिन उससे पहले ही इच्छापुरम बॉर्डर है आंध्र प्रदेश का, ओडिशा और आंध्र प्रदेश का ये बॉर्डर है इच्छापुरम, वहाँ पर ये गाड़ियों को रोक लिया गया और उन्हें अपने डेस्टिनेशन पर नहीं जाने दिया गया। वहाँ पर जो मौजूद ऑफिशियल्स थे उनका कहना था कि आपने स्टेट ऑर्डर्स की उल्लंघना की है, आप पैडी जो है वो आंध्र प्रदेश के अंदर लेकर नहीं आ सकते हैं। आप चावल लेकर आ सकते हैं, लेकिन पैडी लेकर आंध्र प्रदेश में एंटर नहीं हो सकते हैं। और इतना कहने के बाद जो व्हीकल था, जो गाड़ियां थी और जो इसके अंदर माल था, उसे इम्पाउंड कर लिया गया, जब्त कर लिया गया। कुछ गाड़ियों को एक गडाउन के अंदर वहां पर अनलोड करवा दिया गया जबरदस्ती, और 3 दिन का शो कॉज नोटिस आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं इन गाड़ियों को दे दिया गया, और जुर्माने के रूप में इनको बोला गया कि जितनी वैल्यू आपकी ई वे बिल की है, यानी जितने का ये माल है, उसका 7.5% जो है आपको जुर्माना देना पड़ेगा, और इसके अलावा 5,000 रुपए प्रति गाड़ी अलग से जुर्माना लगा दिया गया। यानी कि 7.5% तो जो जुर्माना है वो तो लग गया व्यापारी को, और जो 5,000 रुपए प्रति गाड़ी, वो गाड़ी मालिक को आप कह सकते हैं जुर्माना लग गया। ये रकम कितनी बन जाती है ये भी आपको बता देते हैं। कुल 1,16,64,623 रुपए का ये माल बनता है 28 गाड़ियों का। अगर उसका 7.5% हम कैलकुलेट करें तो 8,75,000 लगभग ये मोटा मोटा बन जाता है, और 5,000 जो अलग से प्रत्येक गाड़ी है वो 1,50,000 रुपए के करीब वो बन जाता है। कुल रकम जो है वो 10,00,000 रुपए के ऊपर बन जाती है जो जुर्माना वसूला जा रहा है वहां पर इन 28 गाड़ियों से। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि 7 और 8 अप्रैल को ये गाड़ियां वहां से चली थी, और 25-26 तारीख तक ये गाड़ियां वहीं पर रही, और वहां पर जो कंसाइनी था, अब जिसने माल भेजा उसने तो जुर्माना भरने से मना कर दिया, क्योंकि उसका तो ये कहना था कि मुझे नहीं पता कि वहां पर पैडी ला सकते हैं आंध्र प्रदेश में या नहीं ला सकते हैं। ये तो आंध्र प्रदेश वाले जो व्यापारी है उसको देखना चाहिए था कि मेरी स्टेट में जो है वो पैडी आ सकती है कि नहीं आ सकती है, इसलिए जुर्माना जो है वो वही भरेगा। तो कंसाइनी ने, जिसने माल मंगाया था, उसने ये तमाम जुर्माना भरा, और जो गाड़ियों को जुर्माना लगा था उसी तरीके से वो भी कंसाइनी ने ही भरा, क्योंकि गाड़ी मालिकों का भी ये कहना था कि हमें थोड़ी पता है कि कौन सी स्टेट में कौन सी चीज़ आ सकती है या नहीं आ सकती है, वो जो माल मंगवा रहा है उस व्यापारी को देखना चाहिए। लेकिन ये भी देखना होगा कि 20-25 दिन यहाँ पर गाड़ी मालिकों के बर्बाद हो गए हैं, उसकी कोई भरपाई किसी ने भी नहीं की है। तो 20-25 दिन एक गाड़ी के बर्बाद होने का मतलब आप मोटा मोटा 1,00,000 रुपए समझ लीजिए। अगर हम EMI जोड़ लें, इंश्योरेंस का खर्चा जोड़ लें, और जो ड्राइवर कंडक्टर हैं उनका खर्चा जोड़ लें, तो 1,00,000 रुपए से कम ये खर्चा नहीं बनेगा। 28,00,000 रुपए 28 गाड़ियों का अलग से बन गया है। कई लोगों के बीच में 3-3, 4-4 गाड़ियां हैं, तो आप खर्चा और उनका नुकसान समझ सकते हैं। 8 तारीख से आंध्र प्रदेश इच्छापुरम बॉर्डर में रोक लिया गया है। हम लोगों की गाड़ी में धान लोड था, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, हर जगह का गाड़ी मौजूद है, सबकी गाड़ी में धान ही लोड था।
फिलहाल 16 तारीख को कुछ गाड़ी अनलोड कर लिया गया है, और जो गाड़ी अनलोड भी कर लिया सब खाली गाड़ी को भी रोक के रखा है, और हम लोगों का फाइल गाड़ी का चाबी सब कुछ छीन लिया गया है, और इधर उतना खाने पीने का कोई सामान भी नहीं है। सरकार की ओर से कोई हेल्प में हम लोगों को नहीं मिल रहा है, बहुत बुरी तरह से हम लोगों का दिन कट रहा है। अब हम बात इस ये कर लेते हैं, सबसे पहले तो ये कर लेते हैं कि क्या स्टेट गवर्नमेंट से जो धान की गाड़ियां उनको रोक सकते हैं। तो इसको लेकर ट्रांसपोर्ट टीवी की टीम ने बात की है फूड सप्लाई डिपार्टमेंट के कुछ सीनियर ऑफिसर से, तो उन्होंने अपना नाम ना बताने की शर्त पर हमें बताया कि जो धान है उसको पूरे देश के अंदर कहीं भी रोका नहीं जा सकता है। जो उसके बीच में व्यापारी होता है या फिर किसान है, वो अपनी जो फसल है उसको कहीं भी ले जाकर बेच सकता है, पूरा देश एक मंडी के रूप में देखा जा सकता है। अगर तो मान लीजिए उसका रूल ये है कि अगर तो किसान की खुद की धान है, उसको ज्यादा से ज्यादा जो है अपनी जमीन के कागजात दिखाने होंगे, वो दिखाएगा कि देखिए मैं अपनी, ये मेरी जमीन है और वहां पे मैंने ये फसल उगाई थी और उसका मैं जो है ये धान वहां पर उगाए और मैं फलानी जगह पर इसको ले जाकर बेचना चाहता हूँ, तो वो कर सकता है, उसे रोक टोक नहीं है। उसके बाद अगर व्यापारी अगर मंडी में माल चला गया है और वहां पर किसी ने खरीदा है और वो आगे बेच रहा है, तो वो भी कर सकता है, उसको सिर्फ वहां पर जो अपनी लोकल मंडी है वहां पर मार्केट फीस देनी होगी, और उसके बाद वो देश के किसी भी कोने में ये जो माल है, ये जो धान है, पैडी है, उसको बेच सकता है, कोई मनाही नहीं है। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है, अगर मनाही नहीं है तो फिर इन गाड़ियों को रोका क्यों गया? तो इसका जवाब लेने के लिए हमने वहां पर, हमारी टीम ने जो अथॉरिटीज है आंध्र प्रदेश के अंदर, वहां पर उनसे बात की और उन्होंने हमें एक ऑर्डर भेजा जो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। स्टेट कंट्रोल सेंटर गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश COVID-19 के तहत जो भी काम किए जा रहे हैं उसके तहत ये ऑर्डर जारी किया गया है 7 अप्रैल को, और इसमें इसका टॉपिक है पैडी ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम नेबरिंग स्टेट्स, और इसके अंदर दो मुख्य पॉइंट है। पहले पॉइंट में लिखा है द अटेंशन इज इनवाइटेड टू द रेफरेंस फर्स्ट साइटेड ड्यूरिंग द मीटिंग हेल्ड विद ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑन 7th of April 2020। द इशू हैज बीन डिस्कस्ड इन डिटेल एंड डिसाइडेड टू स्टॉप गुड्स लॉरीज कैरिंग पैडी फ्रॉम अदर नेबरिंग स्टेट्स एट इंटरस्टेट बॉर्डर चेक पोस्ट। तो ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के साथ जो बैठक हुई थी उसमें ये डिसाइड किया गया था कि जो पड़ोसी राज्यों से पैडी के ट्रक आ रहे हैं उन्हें इंटरस्टेट बॉर्डर चेक पोस्ट पर रोका जाएगा। आगे लिखा है देयरफॉर कलेक्टर्स कंसर्न्ड आर रिक्वेस्टेड टू टेक इमीडिएट नेसेसरी एक्शन ऑन द अबव डिसीजन एंड टू पास नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस टू द कंसर्न्ड पुलिस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफिशियल्स मैनिंग द इंटरस्टेट बॉर्डर चेक पोस्ट विद इमीडिएट इफेक्ट। तो कलेक्टर्स को, डीएम्स को ये कहा गया है कि जो संबंधित ट्रांसपोर्ट ऑफिशियल्स हैं और पुलिस ऑफिशियल्स हैं उनको इसके बारे में जानकारी दे दी जाए जो तैनात है इंटरस्टेट बॉर्डर चेक पोस्ट के ऊपर। बहुत बढ़िया। अब यहां पर ये देखिए कि इन्होंने ऑर्डर जारी कर दिया कि पैडी नहीं आ सकती है कोविड के चलते, लेकिन बाकी माल आ सकता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके बारे में भी जब हमने बात की हम माहिरों से या ऑफिशियल से, उनका ये कहना था कि असल में होता ये है कि हालांकि पूरे देश के अंदर जो किसान है वो अपना माल, अपना धान जो है वो बेच सकता है, लेकिन होता क्या है असलियत में कि कोई भी स्टेट नहीं चाहती कि दूसरे राज्य से उसके स्टेट में पैडी आए या ये जो धान है वो आए। उसका कारण शायद ये रहता है क्योंकि उसकी पेमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को करनी पड़ती है मंडियों में। तो अनऑफिशियल तरीके से ऑफिसर्स को बोल दिया जाता है कि इनको हरास करो, जो बाहर से आता है उनको घुसने मत दो, उनके कोई आलतू फालतू के चलान कर दो ताकि वो हमारी स्टेट में ना आए। ये होता है नॉर्मली, लेकिन इस बार शायद ऐसा लग रहा है कि आंध्र प्रदेश ने कोविड का बहाना लगाकर, कोरोना वायरस का बहाना लगाकर पैडी वाले ट्रकों को वहां पर रोका है और हरासमेंट उनकी की है। चलिए अगर ऐसा है तो ये सीधी सीधी नाइंसाफी है किसानों के साथ, वो एक अलग मुद्दा है। हमारा मुद्दा यहाँ पर नहीं है इमीडिएटली ट्रांसपोर्ट टीवी पर, हालांकि दुख की बात है कि अगर ऐसा सच में होता है तो बहुत दुख की बात है। लेकिन अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करें कि आपने 7 अप्रैल को एक ऑर्डर निकाला कि हमारी स्टेट में जो है वो पैडी के ट्रक घुस नहीं सकते और ये गाड़ियां चली हैं 7 अप्रैल को वेस्ट बंगाल से, और आपने अपने ऑर्डर में ये लिखा है कि हमारी जो स्टेट चेक पोस्ट है वहां पर तैनात ऑफिशियल्स को बताया जाए, उनको आपने बता दिया, लेकिन बाहर के राज्य से जो गाड़ियां आ रही हैं उनको कैसे पता चलेगा कि आंध्र प्रदेश में नहीं जाना है? क्या आपने इन ऑर्डर्स की कॉपी जो है वो नेबरिंग स्टेट्स, जो पड़ोसी राज्य थे वहां पर भेजी, वहां के मुख्यमंत्रियों को भेजी कि भाई आपके राज्य से कोई गाड़ी हमारे राज्य में ना आए? आपने वो नहीं किया,
और उसके बाद भी आप इस ऑर्डर में आप सिर्फ ये लिख रहे हैं कि इन गाड़ियों को रोकना है बॉर्डर के ऊपर। यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि उनके चलान करने, उनका माल छीन लेना है, उनकी गाड़ियां छीन लेनी है। ये सरासर नाइंसाफी, ऐसा कोई जुर्म नहीं कर दिया उन्होंने, वो अपने ही देश में घूम रहे हैं। आप अगर नहीं चाहते हैं अपनी स्टेट में उनको एंटर करवाना तो मना कर दीजिए, वो वापस चले जाएंगे। आप माल क्यों उतार रहे हैं उनका? वो कोई दो नंबर का माल तो लेके नहीं आ रहे, वो कोई हथियार, कोई नशा तो लेके नहीं आ रहे। आप उनकी गाड़ियां पकड़ रहे हैं, गाड़ी वालों को जुर्माना कर रहे हैं। क्या आप महामारी के दौरान भी अपनी जेबें भरना चाहते हैं, राज्य भी और अनऑफिशियली भी? ऐसा ही लगता है आंध्र प्रदेश के इस ऑर्डर से। शर्मनाक कार्रवाई आंध्र प्रदेश सरकार की है ये शरेआम। अगर आप पैडी नहीं आने देना चाहते हैं आप स्टेट में, तो सबसे पहले पड़ोसी राज्यों को इसके बारे में इंटीमेट कीजिए, अखबारों में इश्तेहार दीजिए कि हमारे स्टेट में आप पैडी लेके मत आइए। उसके बाद अगर कोई गाड़ी आ जाती है गलती से, उसको जानकारी नहीं है, तो उनको वापस भेज दीजिए। उसको किसी भी हालत में आप जुर्माना नहीं लगा सकते हैं, उनकी गाड़ियों को पकड़ नहीं सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसका संज्ञान लेगी आंध्र प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार और पड़ोसी राज्य, जिन राज्यों की गाड़ियों की हैरेसमेंट हो रही है उनको भी इसका संज्ञान लेना चाहिए। और जो हमारी लोकल एसोसिएशन है वहां पर और हमारी जो राष्ट्र स्तर की एसोसिएशन है उनको भी इसका संज्ञान लेना चाहिए। आपकी क्या राय इस विषय के ऊपर कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि तमाम जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके। और अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो अपने इस चैनल को फेसबुक और यूट्यूब पर जरूर सपोर्ट करें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाए बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।